उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 10 अक्टूबर सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सपा नेता की हालत गंभीर बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 में हुआ था और 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सीएम ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की और कहा है कि दिग्गज नेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश के उनके पैतृक गांव सैफई में पहुंच चुका था, जहां उनका दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इसके साथ ही एक्टर अभिषेक बच्चन, एक्ट्रेस जया बच्चन, अनिल अंबानी और कई ऐसे दिग्गज लोग पहुंचे।